हाय गाइज, ये SBL का स्लिम टीवी 21 इंच का है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, ये सेट अभी डेड है, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है हम करंट देके अभी देखेंगे क्या हो रहा है। गाइज, अभी मैं करंट दे रहा हूँ, करंट अभी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, तो टीवी को ऑन कर रहा हूँ, ऐसे साउंड हो रहा है पीछे से। यहाँ से साउंड हो रहा है, ऐसे साउंड हो रहा है, अंदर से साउंड निकल रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है प्रॉब्लम, हम खोल के देखेंगे। गाइज, यहाँ पर ESD के पास ये जो बूस्टिंग वोल्ट आ रहा है 185 का वोल्ट है, 185 वोल्ट यहाँ पर बर्निंग हुआ है, तो इसीलिए ये फॉल्ट आ रहा है। गाइस, यहाँ पर जो जल जल गया था 185 वोल्ट, इसे मैंने कट करके दूसरी एक वायर से 185 वोल्ट ने मैंने CRT को यहाँ पर 180 वोल्ट मैंने दिया। गाइस, यहाँ पर ये दो वोल्टेज है, नेगेटिव है। यहाँ पर हीटर वोल्ट है, ये हीटर वोल्ट है, और ये नेगेटिव है, और इसके बाद ये बूस्टिंग वोल्टेज ये जल गया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से दूसरा तार दे के मैंने बूस्टिंग वोल्टेज मैंने पिक्चर ट्यूब को दिया। गाइज, यहाँ पर 180 वोल्ट से लेकर 200 तक आएगा बूस्टिंग वोल्ट, तो ये अभी मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए गाइज, यहाँ पर 194 से 194.95 वोल्ट आ रहा है, अभी 194 से 200 तक आएगा यहाँ पर वोल्ट, तो अभी है इसका वोल्ट है, बूस्टिंग वोल्ट है 194 वोल्ट है, यहाँ पर बूस्टिंग वोल्ट। मैंने ये दूसरा वाला जो तार लगाया था यहाँ से बूस्टिंग वोल्ट जा रहा है, मीटर में दिखा रहा हूँ, वह 94 वोल्ट है अभी, तो अभी सेट ओके है। गाइस, टीवी अब ओके हो चुका है, अब हम प्रोग्राम देखे देखेंगे प्रोग्राम कैसा आ रहा है, साउंड कैसा आ रहा है। टीवी अब ओके हो गया, पिक्चर भी ओके है, साउंड भी ओके है। And a pile driver from Simon Gustafsson does it.